लेकिन सबसे पहले बात खेल जगत की खबर से मिल रही है, जहां चार मैचों की सीरीज का पहला मैच आज खत्म हुआ। लेकिन भारत के लिए ये थोड़ी निराश करने वाली खबर है। क्रिकेट फैंस के लिए इंग्लैंड ने चेन्नई टेस्ट में टीम इंडिया को 227 रनों से हरा दिया है। उसकी भारतीय जमीन पर रन के लिहाज से ये अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले इंग्लैंड टीम ने भारत को उसी के घर में 212 रन से 2006 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हराया था। टीम इंडिया की चेन्नई के चेपक स्टेडियम में 22 साल बाद टेस्ट में पहली हार है। भारत को यहां पिछली बार जनवरी 1999 में पाकिस्तान के हाथों 12 रन से हार झेलनी पड़ी थी। 402 रन के टारगेट के जवाब में जब भारतीय टीम मैदान में उतरी आज चेस करने के लिए, तो 192 रन पर ही ऑल आउट हो गई, सिमट कर रह गई, क्योंकि इंग्लैंड ने पहली पारी में 578 और दूसरी पारी में 178 रन बनाए थे। इधर टीम इंडिया ने पहली पारी में 337 रन बनाए थे और इस लिहाज से भारतीय टीम को 420 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन टीम इंडिया उस टारगेट को हासिल नहीं कर पाई और 192 रन पर ही ढेर हो गए। हालांकि टीम इंडिया की दूसरी इनिंग की हम बात करें, दूसरी पारी की हम बात करें, तो काफी खराब शुरुआत रही। 420 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 25 रन पर अपना पहला विकेट गंवाया। ओपनर रोहित शर्मा 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद टीम ने 117 रन तक 6 विकेट गंवा दिए। चेतेश्वर पुजारा 15 रन पर आउट हो गए। शुभमन गिल 50 रन पर आउट हुए। ऋषभ पंत 11 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अजिंक्य रहाणे और वाशिंगटन सुंदर अपना खाता भी नहीं खोल सके और शून्य पर ही आउट हो गए। सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए, 72 रन विराट कोहली ने, तो आर अश्विन ने 7वें विकेट के लिए 105 बॉल पर 54 रन की पार्टनरशिप कर पारी को संभालने की थोड़ी कोशिश की। हालांकि अश्विन और कोहली एक बार फिर दोनों ही पवेलियन लौट गए।